इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कोई हलचल नहीं पाए बाबा, भगवान का स्मरण हुआ, चूंकि हनुमान जी को ही भगवान ने अपना कार्य सौंपा है, स्मरण हुआ तो जामवंत बाबा बोले, राम काज लगी प्रभ अवतारा, सुनत ही भय राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, ऐसा सुनते ही हनुमान जी पर्वत के टांग का रूप धारण कर और गदा उठाकर हनुमान जी सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा, लैना गौ जल निधि धारा, लैना गौ जल निधि धारा, सहित सहाय राव नहीं मारे, सहित सहाय राव नहीं मारे, यानो यहां त्रिकोट उतारे, यानो यहां त्रिकोट उतारे, रामवंत मैं पूछूं सोई, रामवंत मैं सिखावन दी जमोही, सिखावन दी जमोही, इतना कर उतात तुम जाई, इतना कर उतात तुम जाई, कहिए मैं तीनों कूट उखाड़ लाऊं, रावण को समाज सहित मारकर समुद्र में छोंक दूं, मां को ले आऊं, क्या क्या है? जामवंत बाबा बोले, बोले नीचे आओ, नीचे आओ, आप इतना नहीं इतना करिए, माता जी का दर्शन करके आ जाइए, सीतहि देखि कहउ सुधि आई, बस। और तब निज भुज बल राजीव नैना, अपनी भुजाओं के बल से हमारे आपके प्रभु और खेल खेल के लिए वानरी सेना संग में रहेगी, भगवान अपने भुजाओं के बल से कपि सेन संग सहारिन से चल राम से कर सहारिन जय गोपाल सुरन सुर नारि बतावि जो सुनत गावत भरत तनु जत परम पद नर पावि रघुबीर पद पादो मधुकर सार तुलसी गावि तुलसी कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीते राम जी सीते ही आनी है, माता जी को प्रभु लाएंगे। हम लोग खेल खेल में
भगवान जो लीला करेंगे, चरित्र करेंगे, तीनों लोग ऋषि मुनि मंडल सब गान करेंगे। और वह चरित्र जो सुनत सुनकर गाकर कहकर और समझकर जीव परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैं दिन रात भगवत कथा गान करता रहता हूं। भव भेषज रघुनाथ जस सुन हिज नर यरुना तिन कर सकल मनोरथ सकल मनोरथ नीलोत्पल तन शाम काम को सुनिय गुण सुना अघ खरांबज श्यामल कोमलांगम जो प्रभु है निरांबज श्यामलांग जिनका नाम करोड़ों 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 कलमशी रूपी पक्षियों का वध करने के लिए बधिक के समान सुनियतास गुणग्राम भगवान की कथा अघ का नाश कर दिए हो। अघ के रहे हरिचरित बखाने, पाप नहीं करना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, पाप से बचना चाहिए और पाप जो पहले हो गए हों पुराकृत कर्म में और क्षय हों इसके लिए भगवान की कथा। कथा सुनते रहना चाहिए, जितना सुन सके उतना सुनो। जरूरी 4 घंटा सुनिए, आधा घंटा सुनिए, 1 घंटा सुनिए, सुनिए। पात्र जितना हो उतना सामग्री एकत्र करिए, बाहर न गिराइए। खूब प्रेम से किष्किंधा कांड पूर्ण होता है। अगले कांड का नाम है सुंदर कांड। लगभग सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो लोग पढ़ते होंगे। मधुर कथा है सुंदर कांड। सुनने से जीवन सुंदर होता है, पढ़ने से सुंदर होता है, गाने से सुंदर होता है, अनुष्ठान करने से सुंदर होता है। सुंदर कांड श्री हनुमान जी का भाव चरित्र है, भगवान को बहुत प्रिय है। सुंदरकांड में माँ भगवती को प्रभु का और प्रभु को माँ का संदेश मिला, इसलिए गोस्वामी जी इस कांड का नाम सुंदरकांड। श्री हनुमान जी को भगवान की अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए गोस्वामी जी सुंदरकांड करते हैं। भक्तराज विभीषण को शरणागति हुई है, इसलिए कांड सुंदरकांड। भगवान ने इष्टदेव शिव जी के दिव्य लिंग की स्थापना की रचना बनाई इस कांड से, कथा लंका कांड में प्रवेश कर गई। अवसर मिला बाबा ने सुंदर कांड। ये पूरा कथानक इस कांड का सुंदर पर्वत पर आरूढ़ है, उपस्थित है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। माँ सुंदर है, प्रभु सुंदर है, लीला सुंदर है, कथा सुंदर है, इसलिए कांड का नाम सुंदर कांड। श्री हनुमान जी को संबोधन इसी कांड में प्राप्त हुआ पुत्र का। हनुमान जी गोस्वामी जी के सद्गुरुदेव इस भाव में रहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव गुरुदेव की नाही। मां ने पुत्र संबोधन किया, जगजननी मां भगवती सीता महारानी ने पहले पुत्र नहीं कहा था। श्रवणा मित्र जी कथा सुनाई, कही सो प्रकट हो तो किन भाई हनुमान जी सन्मुख गए। तब कहा यह मुद्रिका मा तुम्हें यानी दीन ही राम तुम कहीं सही। माँ ने पूछा नर बा नर संग कहो कैसे, कही कथा भाई अरे हनुमान जी ने संदेश सुनाया माँ को, संदेश मिला, माँ गदगद हो गई।
हनुमान जी ने निष्ठा बताई, माँ बही माँ तो मैं जाऊ लवाई, प्रभु आए सुने राम दुआई, क्या करूं मैं, परंतु कछुक दिवस दन्नी धर धीरा, कपिल सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मार तो हिले नहीं है, तिहपुर नार दाद जस कही है, ऐसा जामुन जी ने कहा है। तो माँ ने प्रश्न किया, स्वामी जी ये कथा बड़ी अच्छी आपको लगती है, माँ ने प्रश्न किया, लाला सारे कपि लोग तुम्हारे इतना है कि कुछ हड्डे कट्टे बड़े बड़े भी हैं, मोरे हृदय परम परम संदेहा। अरे ये बड़ी विचित्र बात, मोरे हृदय परम संदेह। एक बात बताऊं आपको, मैं जीवन में कभी संदेह में नहीं रहता, सरकार आपको मैंने निवेदन किया कभी नहीं रहना चाहिए, संशयात्मा विनश्यति, गीता जी का न्याय है, संदेह में रहना ही नहीं चाहिए। आज तो मेरे सरकार 2-4 हजार लोग बैठे भी हैं, हम लोग जब प्रारंभ में कथा करते तो केवल पंडाल होता था, कोई नहीं आता बताता, अच्छा कोई जानता भी नहीं था कि कोई प्रेमभूषण भी राम कथा करता है, हमारे ये लाला सरकार हनुमान जी शिव जी पोथी जी हमारे सखा लोग, हम ऐसे एक दिन दो दिन सुनाते थे तो लोग आकर ऐसे कमर बात रख के देखते थे, कहा हो रहा है कथा हो रही है, अरे वाह 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 बाबा जी बड़े सुंदर है, वाह वाह ले, अरे बैठ के कथा सुनो, बाबा जी को क्या लेना। ये निष्ठा थी कि कथा सुनाना ही है, संशय नहीं, कोई नहीं आएगा तब भी कथा सुनाना है, कथा सुनाने निकले हैं इसलिए कथा सुनाते रहना, कोई ना सुने भगवान की कथा, भगवान तो सुनेंगे। श्री हनुमान जी की वही निष्ठा, मेरी माँ मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कवि प्रकट कीन निज कनक भू धराकार शरीरा समर भयंकर दुबल वीरा, सीता मन भरो भयो सुनि लग रूप पवन सिंह। श्री हनुमान जी हाथ जोड़ करके और माँ से अनुनय करने लगे, सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि मिसा, प्रभु प्रताप ते करुण ही आई परम रूपया। हे माँ हम तो शाखा के हिरण है, न बल है न बुद्धि, परंतु भगवान का प्रताप ऐसा है जो गरुण जी सर्पों का भक्षण करते हैं, छोटा सा सर्प भी गरुण जी को खा सकता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।